वेलकम टू इंग्लिश विद अल्ताफ। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे आई एम हियर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम इस वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलें सीखना शुरू करते हैं। हम अक्सर कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं और सुनते हैं, जैसे कि मैं नौकरी शुरू करने आया हूँ, मैं यहाँ टेस्ट लेने नहीं आया हूँ, क्या मैं यहाँ फिल्म देखने आया हूँ, क्या मैं यहाँ अपना तोहफा वसूल करने नहीं आया हूँ। आपने देखा इन सब सेंटेंसेस में कोई किसी काम को करने के लिए हाजिर है या उस काम को करने के लिए आया है, और इन्हीं तरीकों के उर्दू सेंटेंसेस के लिए हम इंग्लिश में ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं, आई एम हियर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब चलें इसके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं नौकरी शुरू करने आया हूं, आई एम हियर टू स्टार्ट द जॉब, या तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम हियर टू स्टार्ट द जॉब। ठीक है, और ये जो आम की प्रोनंसिएशन है बिल्कुल वही प्रोनंसिएशन है जो खाने वाले आम की होती है, मतलब मैंगो की होती है, आम। ठीक है, मैं यहां फिल्म देखने आया हूं, आई एम हियर टू वॉच अ मूवी, मैं आपके कंप्यूटर पर काम करने के लिए हाजिर हूं, आई एम हियर टू वर्क ऑन योर कंप्यूटर, मैं यहां टेस्ट लेने आया हूं, आई एम हियर टू टेक अ टेस्ट। और अगर आपको इसी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो खाली आपको आई एम के बाद नॉट ऐड करना होगा, जैसे कि मैं यहां टेस्ट लेने नहीं आया हूं, आई एम नॉट हियर टू टेक अ टेस्ट। और अगर आपको इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आपको पहले एम लिखना होगा फिर आई लिखना होगा, जैसे कि क्या मैं यहां टेस्ट लेने आया हूं, एम आई हियर टू टेक अ टेस्ट। और अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आपको एम आई के बाद नॉट ऐड करना होगा, जैसे कि क्या मैं यहां टेस्ट लेने नहीं आया हूं, एम आई नॉट हियर टू टेक अ टेस्ट। अब चलें और सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं यहां अपना तोहफा वसूल करने आया हूं, आई एम हियर टू रिसीव माई गिफ्ट, मैं यहां अपना तोहफा वसूल करने नहीं आया हूं, आई एम नॉट हियर टू रिसीव माई गिफ्ट, क्या मैं यहां अपना तोहफा वसूल करने आया हूं, एम आई हियर टू रिसीव माई गिफ्ट, क्या मैं यहां अपना तोहफा वसूल करने नहीं आया हूं, एम आई नॉट हियर टू रिसीव माई गिफ्ट। मैं कैंसर के बारे में शौर उजागर करने के लिए हाजिर हूं, आई एम हियर टू रेज अवेयरनेस फॉर कैंसर, मैं कैंसर के बारे में शौर उजागर करने के लिए हाजिर नहीं हूं, आई एम नॉट हियर टू रेज अवेयरनेस फॉर कैंसर, क्या मैं कैंसर के बारे में शौर उजागर करने के लिए हाजिर हूं, एम आई हियर टू रेज अवेयरनेस फॉर कैंसर, क्या मैं कैंसर के बारे में शौर उजागर करने के लिए हाजिर नहीं हूं, एम आई नॉट हियर टू रेज अवेयरनेस फॉर कैंसर। मैं यहां मुलाजमत की दरख्वास्त देने के लिए आया हूं, आई एम हियर टू अप्लाई फॉर द जॉब, मैं यहां मुलाजमत की दरख्वास्त देने के लिए नहीं आया हूं, आई एम नॉट हियर टू अप्लाई फॉर द जॉब, क्या मैं यहां मुलाजमत की दरख्वास्त देने के लिए आया हूं, एम आई हियर टू अप्लाई फॉर द जॉब, क्या मैं यहां मुलाजमत की दरख्वास्त देने के लिए नहीं आया हूं, एम आई नॉट हियर टू अप्लाई फॉर द जॉब। मैं अवार्ड लेने आया हूं, आई एम हियर टू रिसीव द अवार्ड, मैं अवार्ड लेने नहीं आया हूं, आई एम नॉट हियर टू रिसीव द अवार्ड, क्या मैं अवार्ड लेने आया हूं, एम आई हियर टू रिसीव द अवार्ड, क्या मैं अवार्ड लेने नहीं आया हूं, एम आई नॉट हियर टू रिसीव द अवार्ड। मैं आपके तमाम फैसलों की हिमायत करने के लिए हाजिर हूं, आई एम हियर टू सपोर्ट ऑल योर डिसीजंस, मैं आपके तमाम फैसलों की हिमायत करने के लिए हाजिर नहीं हूं, आई एम नॉट हियर टू सपोर्ट ऑल योर डिसीजंस, क्या मैं आपके तमाम फैसलों की हिमायत करने के लिए हाजिर हूं, एम आई हियर टू सपोर्ट ऑल योर डिसीजंस, क्या मैं आपके तमाम फैसलों की हिमायत करने के लिए हाजिर नहीं हूं, एम आई नॉट हियर टू सपोर्ट ऑल योर डिसीजंस। अब आपकी बारी है, आपने इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है,
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके बराबर में मौजूद बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।